जब आपने पहली बार प्रियंका या कंगना के साथ शूट किया जी तब डर लग रहा था? पहला दिन ही प्रियंका जी के साथ था तो डर उस दिन एक सब गायब हो गया था, क्योंकि मैंने सुना था सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं, बहुत टेंट्रम देते हैं, बहुत बात नहीं करते वगैरह वगैरह सुना था। बट जब मैं प्रियंका जी से मिली, माई डेफिनेशन चेंज। शी इज सो डाउन टू अर्थ, शी इज सो कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे कैमरा के पीछे रह के भी डायलॉग्स वगैरह दिए हैं, क्यूज दिए हैं, तो दैट्स वेरी स्वीट। एंड मुझे बोलती थी कि दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, ओके तुम्हारे बाल ऐसे करो, यू नो, यू वी वर लाइक फ्रेंड्स, सो दैट वॉज रियली हेल्पफुल। सो शी वॉज रियली रियली डाउन टू अर्थ एंड कोऑपरेटिव। या वाह, ओके। आपकी पहली फिल्म मधुर भंडारकर के साथ है, हम जिसे हम जानते हैं कि रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं, जी एट द सेम टाइम ये बिल्कुल लीक से हटके फिल्म है, जी या तो इस फिल्म को आपने क्यों चुना? आप एक लव स्टोरी भी तो चुन सकती थी। दिस वॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मधुर भंडारकर द डायरेक्टर, आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम इन माई फर्स्ट फिल्म। एंड एज अ न्यू कमर मुझे इतना मालूम नहीं है कि आई शुड प्ले सेफ, आई शुड प्ले दिस। जो गट फीलिंग आई मेरे दिमाग के अंदर और दिल के अंदर, उसके साथ में चली गई। और ये फिल्म मेरे मैंने जो मॉडलिंग की है उसके उसी पर आधारित है, तो मुझे लगा कि चलो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। राइट, यही जवाब से मेरा अगला सवाल जुड़ा है। आप एक मॉडलिंग इंडस्ट्री से आते हैं, आपने कई मैंने आपकी रिसर्च किया और मैंने देखा कि आपने कई बहुत ही नामी एजेंसीज के लिए, प्रिंट के लिए, टेलीविजन पे बहुत मॉडल किया है। कितना इजी या डिफिकल्ट था अपनी पहली फिल्म में भी एक मॉडल का पात्र निभाना? एक्चुअली मुझे लगा बहुत इजी रहेगा, मुझे क्या करना है, जाके रैंप तो वॉक करना है और क्या और क्या। नहीं, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि फिल्मिंग मॉडलिंग इंडस्ट्री एक अलग तरीका है। फिल्म लाइक जो शो हम 5 मिनट में खत्म करते हैं, ये लोग 5 दिन लगा देते हैं शूट करने के लिए। यहाँ से वहां से ये कैमरा, इधर लुक दो, उधर लुक दो। और जो मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ वो चलता है ना, यहाँ पे थोड़े से लटके झटके करने पड़ते हैं, थोड़ा फिल्मी गिरी बोलते हैं ना, तो मुझे वो सब सीखना पड़ा। एंड वट एवर आई हैड लर्न थोड़ा काम में आया। ऑफकोर्स द बेसिक एटीट्यूड वॉज राइट, लेकिन डायलॉग्स, इमोटिंग और वो कैरेक्टर में रहना, उनके जैसा बिहेव करना, आई कॉन्ट बी माई सेल्फ, आई कॉन्ट बी मुग्धा गोडसे। एंड सो वो सब चीजें याद रखनी पड़ती थी। जब मैं मॉडलिंग करती हूँ तो ये सब याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ रैंप वॉक करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज्यादा नहीं। ओके, आपकी कैरेक्टर की बात करें तो कहां तक सच है कि रियल लाइफ कैरेक्टर पे इंस्पायर्ड? देखिए ये रियल लाइफ ऐसे किसी एक किरदार पर इंस्पायर्ड नहीं है, देयर आर बिट्स एंड पार्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओके, एवरीवेयर। एंड दिस फिल्म, द होल फिल्म इज अबाउट मिक्स ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट, तो थोड़ा फिल्मी मसाला ये सब सब मिला मिला के किया है। सो माई कैरेक्टर इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग पर्टिकुलर। बट कहां तक सच है कि फैशन, जो आपकी फिल्म है वो फैशन फैशन इंडस्ट्री का पर्दाफाश करती है? अभी कास्टिंग काउच, वार्डरोब मालफंक्शन? एक्चुअली मैंने जो सीन्स किए हैं और मैंने जो देखा है, इट इज वेरी इमोशनल। इमोशंस का पर्दाफाश किया है ज्यादातर, दूसरों चीजों का पर्दाफाश करने से ज्यादा इमोशंस। एक मॉडल एक हर एक लाइक स्टेप पे कैसे चलती है, लाइक व्हेन शी स्टार्टिंग ऑफ, व्हेन शी इज सुपर मॉडल, व्हेन शी इज अनसक्सेसफुल। वो जब कभी कभी कुछ लोग शादी कर लेते हैं तो ये अपना एक दिमाग में क्या चलता है, व्हाट्स द ट्रॉमा गोज बिहाइंड, एंड दैट्स व्हाई द होल टैग लाइन कम्स, यू हैव टू लूज योर मोरल्स। सो दैट मीन्स यू हैव टू सप्रेस योर फीलिंग एट टाइम्स। सो इट्स ऑल अबाउट मोस्टली बेस्ड ऑन इमोशंस देन कैट फाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, आपका सामना प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है, जिन्हें जो एक्सपीरियंस तो है ही, बट एट द ऑफकोर्स सेम टाइम दे आर वेरी टैलेंटेड एज 25 वेल, फिल्म्स डाउन प्रियंका। राइट, और बहुत टैलेंटेड भी है, राइट? तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? एज आई टोल्ड यू, बहुत अच्छा लगा। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी कोऑपरेटिव, एंड एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो हम लोग ऐसे बातें करते थे और यू नो वी यूज टू डू सीन्स वेरी क्विकली, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि सारा माहौल एकदम कंफर्टेबल था। तो इट वॉज वेरी नाइस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ ऑल ऑफ दीज पीपल अगेन। एंड थोड़ा सा डर था, लेकिन व्हेन आई टू सी माई सेल्फ ऑन द मॉनिटर एंड द स्क्रीन, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता था। ओके, और कंगना के साथ? कंगना इज ऑल्सो वेरी स्वीट। आई डोंट हैव मेनी सीन्स विद कंगना, लेकिन आई नो कंगना सिंस बिफोर। हम लोग कथक क्लासेस के लिए साथ में जाया करते थे, तो मेरी जान पहचान वहीं पे हो गई थी कंगना के साथ। मुझे मालूम है वो थोड़ी चुप रहती है ये करके, लेकिन ऑन द सेट्स वो कम्प्लीटली अपने कैरेक्टर में रहते, तो मैंने उनसे वो सीखा कि कैसे
इतने क्योटिक एटमॉस्फेयर में अपने कैरेक्टर में कैसे रहने का मैंने उनसे सीखा है एक्चुअली. या ओके ओके नाउ प्रियंका और कंगना दोनों यू नो एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, और अगर आपके रोल की बात करें तो क्या उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है या आपका भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतनी अहमियत आपको दी गई? देखिए आई एम ए न्यू कमर तो मेरे लिए जो मैंने देखा है बोनस फॉर मी, लेकिन आई डोंट फील इट दैट वे. इट्स फॉर ऑडियंस टू डिसाइड, क्योंकि मुझे तो सब अच्छा लग रहा है अभी तक, तो आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज मेरा जो किरदार है वो बहुत हटके है, बहुत अलग है और बहुत स्टाइलाइज है, तो मुझे कुछ डर नहीं है. आई नो आई विल स्टैंड आउट, सो आई एम कॉन्फिडेंट. तो ओके इसके बाद आपने कोई और फिल्म साइन की है? एक्चुअली देर आर अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग बट राइट अनाउंसमेंट वी आर वेटिंग फॉर, एंड लाइक गुड गुड स्क्रिप्ट आर कमिंग ऑन माई वे. आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट इन माई हाउस एंड आई एम लाइकिंग इट. द होल द फेज आई एम गोइंग थ्रू आई एम लविंग इट एक्चुअली. राइट, तो आप एक अच्छी अभिनेत्री हैं या एक अच्छी मॉडल? मैं अच्छी मॉडल तो हो बन चुकी हूँ, तो आई फील आई हैव डन थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है काम, बट अच्छी अभिनेत्री आई थिंक यू पीपल एंड द ऑडियंस विल टेल मी. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई एम श्योर मुग्धा आई नो यू वुड रियली स्कोर. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच थैंक यू. अब मुलाकात कल होगी. कल बीबिज में देखिए गोलमाल रिटर्न्स ऑफ फैशन के विदेशी बिजनेस पे हमारी खास रिपोर्ट. इसके अलावा अनिल अंबानी की पहली हॉलीवुड फिल्म का बॉक्स ऑफिस परिणाम क्या रहा जानेंगे कल रात. यही नहीं, कल रात बीबिज में मुलाकात होगी सोनू सूद से, जो अपनी नई फिल्म एक विवाह ऐसा भी के संदर्भ में हमसे चर्चा करेंगे. अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिखें. हमारा पता है bbiz@etc.in. अब मुलाकात कल होगी. मैं तरण आदर्श अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा. कीप वॉचिंग बीबिज रोज रात 8:30 बजे सिर्फ ETC पे.